हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू VFX Factory वन सेकेंड। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कैमरा एनिमेशन अनरियल इंजन 5 के अंदर, और कुछ नया चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और हो सकता है आप इसके बारे में पहले से जानते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा सिंपल सा एनवायरनमेंट जो हमने मार्केट प्लेस से डाउनलोड किया है। सो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो या फिर मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कैमरा आइटम्स नहीं है। मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ कैमरा, तो बस एक फोल्डर है और कुछ कैमरा का जो एक्टर कैमरा एक्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, ओके, ताकि आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा सकूँ। सो आज का जो टॉपिक है कैमरा एनिमेशन। सो पहले मैं आपको एक सिंपल कैमरा एनिमेशन दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स ऐड ए कैमरा हियर। सो हमको जाना है यहाँ सिनेमैटिक पर, और अगर आपको ये प्लेस एक्टर्स नहीं दिख रहा है तो सिंपली विंडोज़ पे जाइए और यहाँ पे प्लेस एक्टर को क्लिक कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे सिनेमैटिक पे जाना है और यहाँ पे सिने कैमरा एक्टर को ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप इसको मूव करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका प्रीव्यू यहाँ पे राइट साइड पे, और यहाँ पे आपका कैमरा विजिबल होगा। अभी हमें क्या करना है, हम जिस व्यू पे देख रहे हैं ये वाला व्यू उसको फॉरगेट करो, ओके, इसको भूल जाओ। अभी हम जिस व्यू पे देख रहे हैं ये बड़ा वाला स्क्रीन, इसी व्यू पे अपने कैमरे को ले आते हैं, ओके। सो उसके लिए क्या करना है, सिंपली कैमरा के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड स्नैप ऑब्जेक्टिव व्यू, ओके। सो ये आ गया, हम जिस व्यूज़ पे हैं उसी व्यू पे ये हमारा कैमरा का डिस्प्ले आ गया है। उसके बाद इसी व्यू पोर्ट को हमें बड़ा कर देना है, ओके। सो उसके लिए अगेन क्या करना है, जाना है पर्सपेक्टिव पर और अपना जो कैमरा है सिने कैमरा एक्टर वन इसको सिलेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कैमरा का व्यू आ गया। उसके बाद हम डिटेल्स पे जाएंगे कैमरा का। सो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा फिल्म बैक एंड लेंस सेटिंग। सो फिल्म बैक क्या है, ये आपका सेंसर का साइज है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से चूज करो, और यहाँ पे मैं 16:9 DSLR चूज करूँगा। और इसका जो लेंस है यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे प्राइम लेंस है, वाइड लेंस है, 12mm भी है, ओके। सो 30mm लेते हैं, और जैसे आपका रियल लाइफ पे कैमरा फंक्शन करता है उसी के हिसाब से यहाँ भी फंक्शन करेगा, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे नीचे जस्ट लेंस सेटिंग के नीचे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम फोकल लेंथ मिलता है, यहाँ पे आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा थोड़ा वाइड चाहिए तो यहाँ पर आप 22x22 ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको चेंजेस दिख जाएगा। सो अभी हम कुछ एनिमेशन करते हैं कैमरा का। सो पहले हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, सिंपल जाना है यहाँ पर, यहाँ पे ऐड लेवल सीक्वेंस, ओके। और यहाँ पे ये दोनों पहले से मैंने यूज किया था, सो इसलिए है कन्फ्यूज मत होना। सो यहाँ पे लेते हैं हम शॉट वन, देन इसको सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा टाइम लाइन आ गया है। सो मैं यहाँ पहला जो शॉट लूँगा वो सिंपल मैं लेफ्ट से राइट इस तरीके का मैं शॉट लेने वाला हूँ, ओके। सो सिंपली क्या करना है, अपना जो कैमरा है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ओके। और एक चीज़ आपको सीक्वेंसर पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक लाइन है, ये सॉरी आई मीन रेड लाइन है, ये वाला आपको डिस्प्ले करता है कि आप कौन से फ्रेम पे अभी हो, ठीक है। और मैं अगर इसको एकदम लास्ट फ्रेम पे ले आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा सबसे लास्ट फ्रेम है 150, ठीक है, यहाँ तक 150 तक है। और यहाँ पे आप देखो फ्रेम पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब 30 FPS। सो अगर 30 FPS 150 फ्रेम तक है, मतलब ये 5 सेकेंड का है। अगर आप डिवाइड कर दोगे 150 डिवाइडेड बाय 30, मतलब ये 5 सेकंड के लिए है। अगर आप इसको 10 सेकंड तक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 30 FPS, तो ये हो जाएगा 300। सो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 300,
तो ये अभी हो गया हमारा 10 सेकंड के लिए, ओके। और इसको भी ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, सो ये हो गया हमारा 10 सेकंड का टाइमलाइन। सो अभी इसको हम एनिमेट करेंगे। सो सिंपली क्या करना है, कोई भी एक पोजीशन आप स्टार्टिंग पोजीशन स्पेसिफाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, और कैमरा को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन है। सो सिंपली यहाँ पे याद रखो ये वाला जो पॉइंटर है ये फर्स्ट फ्रेम पे होना चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट फर्स्ट फ्रेम पे लाने के लिए आप ये वाला जो बटन है टू फ्रंट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो फर्स्ट फ्रेम पे एग्जैक्टली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे एक की फ्रेम ऐड करना है इस तरह से, उसके बाद चले जाना है लास्ट फ्रेम पर, या फिर इसको क्लिक कर दो लास्ट फ्रेम पे चला जाएगा। और उसके बाद अपना सेकेंड की फ्रेम ऐड करने से पहले सेकेंड पोजीशन आप चूज कर लो, कहाँ पे रखना चाहते हो कैमरा को इस तरह से, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ओके। और उसके बाद अगर हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग बहुत स्लो हो रहा है, बीच में स्पीड है, और फिर एंडिंग पे ये स्लो हो के एंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू रखने के लिए, इसका जो स्पीड है कैमरा का एनिमेशन स्पीड सेम रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों की फ्रेम को करना है सिलेक्ट, देन राइट क्लिक यहाँ पे, और इसको लीनियर कर देना है। तो अभी अगर हम प्ले करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, ओके। सो ये रह गया हमारा फर्स्ट एनिमेशन। सो मैं इस सीक्वेंस के लिए आपको रेंडर सेटिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी सब एनिमेशन जो बताऊँगा उस पर आप खुद रेंडर कर लेना, ओके। सो रेंडर करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। सो यहाँ पे अगर आपको JPG सीक्वेंस पे एक्सपोर्ट करना है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे EXR, PNG वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट पे यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट डायरेक्टरी, और यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका जो भी डेस्टिनेशन है जहाँ जिस फोल्डर पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद रेंडर कर देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक रेंडर सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ जिस पे होगा पाथ ट्रेसिंग होगा और यहाँ पे एंटी अलाइजिंग ये सब होगा, मैं एक डिटेल्स पे वीडियो बनाऊँ अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो एक। सो यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे रेंडर करके एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पे रेंडर को क्लिक कर देना है, ओके। सो वो रेंडर हो जाएगा एक सीक्वेंस पे, अगर आप JPG सिलेक्ट किया तो JPG सीक्वेंस पे रेंडर होगा, या फिर जो भी फाइल रेंडर कर देना है। और उसके बाद आपको अलग एक सॉफ्टवेयर पे जैसे प्रीमियर प्रो होता है उस पे आपको उसको इंपोर्ट करके वीडियो फॉर्मेट पे निकालना है, ओके। सो ये आप रेंडरिंग कर लेना। तो अभी मैं नेक्स्ट जो जो एनिमेशन है कैमरा एनिमेशन है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। सो हमारा सेकेंड जो एनिमेशन होगा एक हाफ ऑर्बिटल टाइप का होगा, जिसे क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा ऐसे आके, ये मेरा जो पॉइंटर है उसको देखो, कैमरा ऐसे आएगा और इस तरीके से एक हाफ सर्कल कवर करेगा, ठीक है। सो वो वाला एनिमेशन मैं आपको बता देता हूँ अभी। हमें क्या करना है, अगेन एक कैमरा लेना है। सो सिनेमेटिक पे जाओ, कैमरा ऐड करो, उसके बाद कैमरा के ऊपर राइट क्लिक, स्नैप ऑब्जेक्टिव व्यू, अगेन पर्सपेक्टिव, और अपना जो कैमरा है उसको सिलेक्ट कर दो, और यहाँ पे इसका जो कैमरा सेटिंग एंड लेंस चेंज कर देना है, इसको मैं 22 कर लेता हूँ, ओके। सो ये अपना सेटिंग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने कैमरा को, ताकि ये एक सर्कल पे हाफ सर्कल कवर करे, ओके। सो अभी कैमरा को यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस एक्टर को, पहला वाला जो है, इस एक्टर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके। देन आपको जाना है एकदम ऊपर थोड़ा चेक करने के लिए, ताकि ये
ऐसे जगह पे रहे जिसके अराउंड में कैमरा मूव करे, ठीक है। जैसे हम आफ्टर इफेक्ट पे नल यूज करते हैं, ये एक्टर वही चीज़ है। सो इसको ध्यान पे रखें। सो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, यही सही रहेगा, ये बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैमरा को यहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पर आया है ये एक्टर एंड हमारा कैमरा, तो दोनों को हम सिलेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इसको राइट क्लिक करेंगे मूव, और इसको एक अलग ही फोल्डर पे रखते हैं, क्रिएट न्यू फोल्डर, इसको नाम दे देते हैं कैमरा एक्टर, ओके। सो इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कैमरा एक्टर, और एक स्टेप आपको क्या करना है, इस कैमरा को सिलेक्ट करना है और इसको मूव करना है एक्टर के नीचे, ठीक है। एक आपको ग्रीन साइन दिखाएगा, तो आपको क्लिक कर देना ऐसे, तो ये एक्टर के नीचे आ गया। और अभी अगर मैं रोटेशन टूल पे क्लिक करता हूँ और एक्टर को सिलेक्ट करना है, और अभी मैं अगर इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कैमरा उसी के हिसाब से रोटेट हो रहा है, ओके। सो अभी इसको हम रेंडर करेंगे, रेंडर करने का काम आपका है, मैं बस इसको एनिमेशन कर देता हूँ। पहला स्टेप जो मैं रेंडरिंग का बताया, बस उसी स्टेप को फॉलो करना है, ओके। सो चलो इसको पहले फ्रेम पे रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद हम एक नया सीक्वेंसर लेंगे। सो यहाँ पे जाओ, एड लेवल सीक्वेंस, इसको कर दो सेव ऑर्बिटल। उसके बाद इन दोनों को, ठीक है, एक्टर एंड कैमरा दोनों को यहाँ पे लाना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक्टर को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ट्रैक पे जाना है, और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे अभी हम की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट फ्रेम पे रखते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको 10 सेकंड तक करते हैं, ओके। सो 30 fps है, तो 30 × 10 हो जाएगा हमारा 300, और इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, ओके। ये हमारा 10 सेकंड का हो गया। तो सिंपली अभी एक्टर को सिलेक्ट करना है, और मेरा पहला पोजीशन यही रहेगा, और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा ऐसे, और चला जाऊँगा लास्ट फ्रेम पर, और मैं अपना जो एक्टर है उसको रोटेट करूँगा इस तरह से। आप चाहो तो पूरा 360 इसको रोटेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एनवायरनमेंट है इतना तक है, ठीक है। सो मैं इतना ही लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ तक, और यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। सो दोनों को अगेन सिलेक्ट कर देना है, दोनों की फ्रेम को यहाँ पे राइट क्लिक, लीनियर करना है, एंड देन प्ले करके देखते हैं। एकदम सॉलिड, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। आप भी ट्राई करो और मुझे बताओ ये प्रोसेस कैसा है, ठीक है। सो ये तो सिंपल ऑर्बिट हो गया, अगर आप चाहो तो इस पर और भी थोड़ा एक्स्ट्रा एनिमेशन ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया, हम इस एक्टर को एनिमेशन किए, ओके। और अभी अगर मैं कैमरा पे जाऊँ, कैमरा को ओपन करूं, तो इसके नीचे भी एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ओके। सो मैं अगर यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, सो पहला एनिमेशन तो हो गया कि ये इसके चारों तरफ घूमेगा, और कैमरा को थोड़ा एनिमेशन करते हैं, थोड़ा ऐसे रखते हैं, और थोड़ा इस तरह से यहाँ पे रखते हैं, ओके। और इसको की फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे, और लास्ट फ्रेम पे जब जाएगा तो इसका पोजीशन ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, और दोनों को अगेन सिलेक्ट करके यहाँ पे लीनियर कर देते हैं, ठीक है। सो फिर से इसको प्ले करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो कैमरा रोटेट भी हो रहा है, और इसका जो पोजीशन नीचे से ऊपर वो भी हो रहा है, ठीक है। सो दो चीज़ें यहाँ पे हो गया, और
यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना जो कैमरा है उस पर भी हम एनिमेशन ऐड किए हैं की फ्रेम, और एक्टर पे भी एनिमेशन ऐड किया गया है। ओके सो बहुत ही सिंपल है, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो फिर से थोड़ा बैक जाओ और देख लो स्टेप्स क्या हुआ है। ओके और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैमरा किस तरह से अभी मूव हो रहा है। सो पर्सपेक्टिव डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट पे जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना कैमरा जो है। यहाँ पे देखिए, यह है हमारा कैमरा। ओके सो इसको आप नोटिस करिए किस तरह से ये मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अभी मैं कैमरा से बाहर हूँ इसलिए आप ये कैमरा को देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ऑर्बिटल मूव हो ही रहा है और इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद सेम रेंडर सेटिंग यहाँ पे जाना है और रेंडर करना है, मैं प्रीवियसली बता दिया। सो अगर आपको रेंडरिंग के ऊपर स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि रेंडरिंग एक अलग ही पार्ट है, अलग ही चीज़ है, बहुत डिटेल्स है उस पर। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाऊँगा। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। सो हमारा थर्ड जो प्रोसेस है वो है डॉली जूम। ठीक है, आप बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ पे देखे होंगे, सो उसी को हम ट्राई करेंगे अभी। सो पहले हमें क्या करना है, अपना सिने कैमरा एक्टर को ट्रैक एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव पर जाना है और हमारा जो कैमरा है उसको सिलेक्ट करना है। एक बार इसको सिनेमेटिक व्यू पुट करते हैं। ठीक है, और ये सिलेक्टेड हो गया है, इसको ऐसे रखते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सीक्वेंसर ऐड करेंगे। सो ऐड लेवल सीक्वेंस, इसको सेव कर देना है, आप इसको रिनेम कर देना, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सो अगेन इसको भी मैं 10 सेकंड तक लूँगा ताकि 300 फ्रेम, और इसको यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ओके सो नेक्स्ट स्टेप सेम, अपना जो कैमरा है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप होगा पहला पोजीशन कैमरा का। ओके सो जहाँ पे आपको रखना है कैमरा वहाँ पे ले जाना है यहाँ तक, और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ 35 mm है। सो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ 22 mm। ओके दिस मच, और इसको और थोड़ा पास ले जाता हूँ इस तरह से, और इसको यहाँ पे रखूँगा, और ठीक है इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा ट्रांसफॉर्म पर और फोकल लेंथ पर, दोनों पर। ओके सो पहला वाला रहेगा ट्रांसफॉर्म पर और दूसरा वाला रहेगा फोकल लेंथ पर। ओके एंड अगेन मैं चला जाऊँगा लास्ट फ्रेम पर, और यहाँ पे मैं एकदम पीछे चला जाऊँगा डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अपना जो फोकल लेंथ है इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा लाइक 70 या फिर 50, जो भी आपका मन करे, और भी थोड़ा दूर जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक सही फ्रेम आप रख लो, इस तरह से रख सकते हैं, और यहाँ पे और एक की फ्रेम 50 mm का ऐड कर लेते हैं, और अगेन इसको थोड़ा पोजीशन कर लेते हैं इस तरह से, एंड देन ट्रांसफॉर्म पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ फोकल लेंथ के लिए दो की फ्रेम ऐड हुआ है और ट्रांसफॉर्म के लिए दो की फ्रेम ऐड हो चुका है। ओके सो अभी हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके लीनियर पे क्लिक कर देंगे। ओके और ये ऊपर वाला दोनों को भी ये साथ छूट गया, सो इन दोनों को भी राइट क्लिक करके लीनियर कर देना है। सो अभी प्ले करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। बहुत ही शानदार गाइस, आप देख सकते हो, आप ट्राई करो इसको, आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना, आपको इजी लग रहा है कि नहीं वो सबसे बड़ी बात है, ये एनिमेशन करने पे आपको इजी लगना चाहिए।
ठीक है। सो ये रहा मेरा थर्ड एनिमेशन। सो इतना ही है बेसिक कैमरा एनिमेशन का, बाकी आप अपने आइडियाज़ लगा के यूज करो कैसा करना है क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको रेंडरिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओ, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं अगले कुछ शानदार अनरियल इंजन के वीडियोस पे। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।